सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारी जीवन चर्चा कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले उठो, भगवान का ध्यान करके, लक्ष्मी का ध्यान करके स्नान करो, और स्नान करने के बाद जो जगत को प्रकाश देते हैं, भाई हम भी तो इनकम टैक्स देते हैं, तो इनका भी कर देना चाहिए। ये भगवान सूर्य का कर है, जिसको देने से ताप, संताप, रोग, भय सब नष्ट हो जाते हैं, कोई रोग नहीं लगता। सूर्य भगवान को एक पात्र में जल लेकर और हो सके तो लाल चंदन डालकर प्रतिदिन बिगर नागा। भाई जैसे हम भोजन में नागा नहीं करते, जैसे हम सोने में नागा नहीं करते, जैसे हम अपने काम में नागा नहीं करते, ऐसे प्रतिदिन भगवान का कर्य देना चाहिए। जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता। मैं इस व्यासपीठ से आह्वान कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा धन है जो सूर्य की उपासना करता है। सूर्य भगवान के वैदिक मंत्रों की तरफ ना जाए, ओम सूर्याय नमः, साधारण मनुष्य इन मंत्रों को बोल सकता है। और गायत्री तो हमारी वेद माता है, वेदों को धारण करने वाली है, उनके आह्वान से भी भगवान को जल अर्पण कर सकते हैं। कभी भी रोग, भय, क्षय, संताप जीवन में आ नहीं सकता, जो भगवान सूर्य की उपासना करता है। जैसे चितमाने प्रकाश, प्रकाश कौन दे रहा है हमारे अंदर और बाहर? ये जो माला चल रही है, ये जो माला चल रही है, किसकी चल रही है? ये कर की माला चल रही है हमारे अंदर। तो भगवान सूर्य यही कहते हैं कि मेरा ऋण चुका, मैं तेरे को फल दूंगा, और ऐसा फल दूंगा कि जीवन में तेरे दुख संताप सब दूर हो जाएंगे। ऐसे कल्याण करने वाले मेरे सूर्य भगवान हैं।